श्री सद्गुरु महाराज परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से श्री राम की आरती धर्मानुरागिनी प्यारी जनता जितने लोग हैं सबके सब अपना कल्याण अवश्य चाहते हैं। जिन कारणों से कल्याण में त्रुटि और बाधा होती है उन कारणों के नष्ट हुए बिना अथवा उन कारणों को छोड़कर गए बिना कल्याण का मिलना असंभव सा है। वे कारण क्या है? वे कारण है हमारे अंदर के मनोविकार और नैतिकता की त्रुटियां जो हमसे होती हैं। हमारे अंदर से नैतिकता दूर हो, हम कल्याण के पथ को जानें, हम उस पर चलें तो हमारा कल्याण हो सकता है। कल्याण स्वरूप स्वयं परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं जिसको पाकर कल्याण में पड़े रहें। पौराणिक इतिहास को पढ़िए, आज का इतिहास देखिए तो ज्ञात होगा कि संसार में जितने लोग थे और हैं सभी कल्याण के इच्छुक थे और हैं। वे कल्याण चाहते थे और कल्याण की कमी में वे रहकर चले गए। परमात्मा भी ऐसे हैं जिनका कभी अकल्याण नहीं। परमात्मा स्वरूप तो ऐसे हैं जो किसी से आवृत नहीं हो सकते। वे अनादि अनंत असीम है। अनादि अनंत असीम को कोई आच्छादित नहीं कर सकता। जो किसी के घेरे में नहीं आता, किसी से आवृत नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, उसका कल्याण होना असंभव है। ईश्वर स्वरूप का यही निर्णय है। अनादि अनंत असीम तत्व का ज्ञान सदग्रंथों में है और बुद्धि को भी यह मान्य है, क्योंकि बिना असीम को माने बुद्धि को संतोष नहीं होता कि सभी ससीम ही ससीम है। एक ईश्वर को ही असीम माना गया है, उसका अकल्याण कभी होने योग्य नहीं है। हम कल्याण चाहते हैं तो कहाँ जाएं? जहाँ कल्याण है। संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं, इसलिए उन पदार्थों को पाकर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम अपने को संसार से फेर कर परमात्मा की ओर करें तो परम सुख नित्यानंद परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन इसलिए है, भगवान श्री राम ने प्रजा को यही शिक्षा दी थी, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उसल पंत दुखदाई। स्वर्ग सुख वा इहलौकिक सुख मनुष्य शरीर का फल नहीं है, जो निर्विषय तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए श्री राम का आदेश था। विषयों का ग्रहण इंद्रियों से होता है, इनसे जो सुख होता है वह मनुष्य शरीर पाने का फल नहीं है। विषयों से परे जो सुख है उसे प्राप्त करना मनुष्य शरीर का काम है। यह काम और दूसरे से नहीं हो सकता। परमात्मा की खोज के लिए हमको नहीं चाहिए कि हम संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज करें। परमात्मा की प्राप्ति बाहर में नहीं,
बाहर में नहीं होगी, इसलिए कि हम बाहर में जो कुछ ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, परमात्मा इंद्रियातीत हैं, परमात्मा सर्वव्यापी हैं, हमारे शरीर के अंदर भी हैं और हम भी अपने शरीर के अंदर हैं। अपने ही अंदर हम अपने को चलावें तो उस ओर जा सकते हैं। जो अपने को अपने अंदर चला सकेगा वह शरीर इंद्रियों से अलग होगा, यह वह स्वयं जानेगा। आप जब जगने से सोने में जाते हैं तो कहीं बाहर नहीं जाते, अपने अंदर सिमटते हैं। सोने पर कुछ ज्ञान नहीं रहता। यदि उस समय किसी के मुंह में कोई मिश्री का टुकड़ा रख दे तो उसका स्वाद उसको मालूम नहीं होगा। बात यह है कि इंद्रियों में जो चेतन धार है, स्वप्न में उसका सिमटाव हो जाता है, बाहर इंद्रिय घाटों पर नहीं रहती। इससे जानने में आता है कि भीतर जाने से इंद्रियों से छूटना होता है। बाह्य इंद्रियों से छूट गया लेकिन अंदर की इंद्रियों से छूटना नहीं हुआ है। इनसे भी छूटा जा सकता है। जब वह इनसे आगे बढ़े, साधन करे, साधन भजन करके ही कोई ईश्वर के दर्शन के योग्य होता है। जो भजन करता है वह ईश्वर दर्शन करके नित्यानंद को पाता है। यह यत्न अपने अंदर होना चाहिए। जो जहाँ कहीं बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। इस शरीर के अंदर जहाँ जीव की बैठक है वहीं से वह चलेगा। इसका यत्न गुरु से जाना जाता है, यह अंदाज से नहीं होता। वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है, सिमटाव होने से उस पर जाना होता है। संत कबीर साहब ने कहा है कि बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। मन और चेतन आत्मा संग होकर चलते हैं। मन अपनी शक्ति की हद तक जा सकता है, आगे नहीं, आगे चेतन आत्मा ही चलती है। संत तुलसी साहब ने कहा कि सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष चेतन आत्मा है। जहाँ केवल चेतन आत्मा ही जा सकती है वहीं परमात्मा के दर्शन होते हैं। जहाँ अंतःकरण का घेरा छूटा तब ऐसी कोई बाधा नहीं रहती जिससे ईश्वर दर्शन नहीं हो। यह काम अंदर में चलते चलते होने योग्य है। कोई और उपाय नहीं है। गुरु नानक साहब ने कहा कि इस गुफा में ही अखुट भंडारा, तिसु बिचु बसे हरि अलख अपारा, आपे गुपुत प्रगट है आपे, आ गुरु शब्द आप वाननिया। और कबीर साहब ने कहा कि माया के रंग रची सब दुनिया, आ नहीं सूझ परत करतार, आ पुरुष पुराण बसे घट भीतर तिनका ओट सहार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल्प है धायो, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमतहीन, मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो, जो सर विमल वारी परिपूरन ऊपर कछु सिवार तृण छायो, जारत योताही तजियो सट चाहत यही विधि त्रिषा बुझायो, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापर दुसा दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी विषय बबूर भाग मन लायो, तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़ आन पुराण गायो, तुलसीदास प्रभु यह विचार जिए कीजे नाथ उचित मन भायो। इस प्रकार सब अपने अंदर चलने कहते हैं। भक्तवर सूरदास जी कहते हैं कि अपन को आपुन ही में पायो,
शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, जो कुरंग ना भी कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चेत्यो सब जब चेतन होय करे आपो नहीं तन छायो, राजकुमार कंठे मणिभूषण ब्रह्म भय कहूँ गवायो, दियो बताय और सतजन तब तन को पाप न सायो, सपने माही नारी को ब्रह्म भय बालक कहूँ हेरायो, अजागी लख्यो जो को त्यों ही है ना कहूँ गयो न आयो, सूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जाय वा सुख की महिमा ज्यो गुंगे गुर खायो। इस प्रकार सभी संत अपने अंदर चलने के लिए कहते हैं, मतलब यह कि कोई संत हो या चाहे कोई ऋषि मुनि हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए सब अंदर अंदर चलने कहते, इसलिए कि ईश्वर आत्मगम है। साधन के लिए सत्संग, सद्गुरु और सदाचार पालन की बड़ी आवश्यकता है, इसके बिना कोई अंदर नहीं चल सकता। इसके लिए जीवन भर साधन करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाई तज ध्यान, अजे हरि कथा न करही रति तिनके ही ये पाषाण। जो जीवन मुक्त संत पुरुष परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी परमात्मा का ध्यान छोड़कर सत्संग के वचनों को सुनते हैं। सदाचारी होने के लिए पंच पापों, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार को छोड़ना होगा। सदाचार पालन से सभी अनैतिकता दूर हो जाती है। सदाचार में पंचशील का पालन है। पंच पापों को छोड़कर रहना सदाचार में रहना है। पंच पापों में रहना अनैतिकता और दुराचार में रहना है। सदाचार का पालन करने से ईश्वर दर्शन के मार्ग में सहायता मिलती है और ईश्वर भजन से सदाचार पालन में मदद मिलती है। दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। सत्संग करो जिससे आपको उस मार्ग पर चलने में सहायता मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम की आरती इस तरह करते हैं, ऐसी आरती राम की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजे, दीप निज बोध गत क्रोध मद मोहतम प्रौढ़ अभिमान चित वृति छीजे, भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ श्री रमन परम संतोषकारी, प्रेम तांबुल गत शूल संशय सकल विपुल भव वासना बीजहारी, अशुभ शुभ कर्म घृत पूर्ण दस वर्तिका, त्याग पावक सतोगुण प्रकाशम भक्ति वैराग विज्ञान दीपावली, अर्पी निरंजनम जग निवासम, विमल हृदय भवन कृत शांति पर्यंक शुभ शयन विश्राम श्री राम राया, क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया, हारती निरत सनकादि श्रुति शेष शिव, देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदर्शी, जो करई सो तरई परिहरई काम सब, वदत इति अमल मति दास तुलसी। हे मन, दुख और कलह के हरने वाले ज्ञान सिंधु और आनंद पुंज राम की इस तरह आरती कर, स्थावर जंगम सब रूप राम के हैं और वे सब में लीन है, सर्वव्यापी हैं, इसी इच्छा का धूप दीजिए, आत्म ज्ञान का दीपक दीजिए, जिससे क्रोध मस्ती और अज्ञान अंधकार नष्ट होकर बड़ा हुआ अभिमान और चित्त की चंचलता नष्ट होती है। अत्यंत शुद्ध प्रेम का उत्तम नैवेद्य और प्रेम ही का पान भोग लगाइए, जिससे
लक्ष्मी पति परम संतुष्ट होते हैं, संपूर्ण कष्ट और संदेह दूर होते हैं। और जो संसार के बीज बहुत सी इच्छाओं को हरने वाले हैं, भक्ति वैराग और विज्ञान के दो दीपों में शुभ अशुभ कर्म रूपी घी से भरी हुई 10 बत्तियों को त्याग की अग्नि से लेस कर सतोगुण की प्रकाश वाली आरती राम को अर्पण कीजिए। पवित्र हृदय भवन में शांति के सुंदर पलंग पर आराम करने के लिए श्री राम राय को सुलाइए। वहां राम की सेवा के लिए क्षमा और दया मुख 10 दासियों को रखिए। जहां राम उपयुक्त रीति से रहेंगे वहां द्वैत उत्पन्न करने वाली माया नहीं रहेगी। इस आरती में सनकादिक वेद शेष शिव नारद और सार पदार्थ निर्माया के दर्शन करने वाले समस्त मुनिगण विशेष रूप से रत रहते हैं। सभी इच्छाओं को छोड़कर जो इस प्रकार का आरती करेगा वह मुक्त होगा। हे तुलसीदास, निर्मल बुद्धि वाले लोग ऐसा कहते हैं, जो अपने को समेट कर केंद्र में केंद्रित करता है वह भक्त धन है, उसका हृदय शांत हो जाता है, माया के फेर में वह नहीं पड़ता, परमात्मा उससे भिन्न होता ही नहीं है। यही आरती संत लोग सिखला गए हैं। जो कोई इसको नहीं समझते हैं वे बाहर में आरती करते हैं। अंतर में आरती करो, परमात्मा का भजन करो, तब परमात्मा में मिलकर जानत तुमई होई जाई हो जाओगे। सारे दुखों को वही पार करता है, वही परम कल्याण पाता है। इसी के लिए भगवान श्री राम ने कहा है कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। जो ईश्वर भक्त होता है उसके लिए सदाचार पालन अनिवार्य हो जाता है। जो पंचशील का पालन करता है संसार परमार्थ दोनों में वह कल्याण पाता है। जो सत्य बोलता है वह किसी का अविश्वासी नहीं होता है। लोग उससे प्रेम करते हैं, चोरी वह नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, नशाओं से बचने वाले फाजिल खर्च से बचता है, उसका मस्तिष्क ठीक रहता है। मांस मछली जो भोजन नहीं करते हैं वे जीवों पर दया करते हैं। सात्विक भोजन भी अधिक लेने से वृत्ति तामसी होती है, वह ईश्वर को भूलता है। आहार गुणानुसार होते हैं और उनका प्रभाव भी आहार करने वालों पर होता है। आयुष्य सात्विकता बल आरोग्य सुख और रुचि बढ़ाने वाला रसदार चिकने पौष्टिक और मन को प्रिय ऐसे आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। चरपरे विशेष लवणयुक्त बहुत गर्म निम्बत तीते रूखे और दाहक कारक आहार राजस लोगों को प्रिय होते हैं। रोटी भात आदि बनकर पहर भर से पड़ा हुआ है, उतरा हुआ अर्थात सरने पर आया हुआ फल दुर्गंध युक्त वासी जूठा आदि अपवित्र आहार तामसी लोगों के हैं, उन्हें ऐसे ही भोजन प्रिय लगते हैं। यदि समाज के लोग ऐसे हो जाएं कि पंच पापों से बचकर रहें तो संसार में भी आराम होगा और परमार्थ भी सुखद होगा। संतों ने जो बताया है उससे कल्याण होगा। ईश्वर भक्ति का सहारा लो। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप ईश्वर का भजन करें, आप साधन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। जो कोई ऐसा ख्याल करते हैं कि ईश्वर यहाँ आकर दर्शन देंगे तो बाहर में जो दर्शन होंगे वे इंद्रिय गम्य होंगे। भगवान श्री कृष्ण के समय में उनके प्रिय और शत्रु दोनों ही तरह के लोग थे। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की निंदा की, बाहर के दर्शन से संसार में लाभ ही हो
लाभ ही होता है और हानि निर्मूल भी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से पांडवों को बहुत लाभ हुआ, लेकिन उनके पांचों पुत्र एक ही रात में खत्म हो गए। ईश्वर करें कि आप लोगों का मन ईश्वर भक्ति में लग जाए। श्री सद्गुरु, यह प्रवचन दिनांक 17/4/1960 ईस्वी को मुंगेर जिला के जमालपुर निवासी स्वर्गीय राय बहादुर श्री दुर्गादास जी तुलसी के निवास स्थान में रात्रि कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु और